बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी है एक, माशाल्लाह 4 बेटियां, उनमें एक बेटी है, उसका नाम फिदक बतूल है, क्योंकि वो इन्हीं दिनों में हुई थी, बीबी के दिनों में, तो उसका नाम फिदक बतूल रखा। और नाम भी एक इराक के मुश्तहिद ने रखा था। तो वो जब 6ठी क्लास में गई तो उसकी टीचर थी जो शिया नहीं थी, उसने पूछा ये फिदक का मतलब क्या है। तो उसने कहा कि आप लुगत में देख लें। थोड़ा सा जाग जाए, मेरे ख्याल में बहुत थक गए आप। मेरी बेटी माशाल्लाह वो मेडिकल में पढ़ रही है, उसने जब 6ठी में थी तो उसने टीचर से कहा कि आप लुगत में देख लें माना। उसने कहा अच्छा देख लूँगी। वो भूल गई, अपने घर गई, शौहर उसका प्रोफेसर था, तो उससे कहा भाई मैं देखना लुगत में भूल गई, तुम तो प्रोफेसर हो, मैं तो टीचर हूँ 6ठी 7वीं की, तो तुम कॉलेज में पढ़ाते हो, ये फिदक का क्या मतलब है। तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता, पढ़ाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, वो होने वाला हमारे कहने लगे कि मुझे नहीं पता। तो उसने कहा भाई कल जुमा है, अगला दिन जुमा था, तो जुमा पढ़ने जाऊंगा मौलाना साहब के पीछे, उनसे पूछ लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह जुमा हुआ, वह जुमा पढ़ने गया अपनी मस्जिद में, देवबंदियों की मस्जिद थी, वहाँ जब नमाज पढ़ने गया तो नमाज ख़त्म हुई। पेश नमाज से लोग खड़े थे, जैसे हाथ मिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं नमाज के बाद। तो इसने आगे बढ़ के, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, इसने आगे बढ़ के कहा कि काजी साहब ये फिदक का क्या मतलब है। उसने फौरन उसको बुरा भला कहा, प्रोफेसर को, गौर कीजिएगा, प्रोफेसर को बुरा भला कहा और कहने लगा कि तुम शियों के साथ बैठने लगे हो, तमीज नहीं है, शियों के साथ बैठते हो, दीन खराब करोगे। उसको बुरा भला कहा। अब प्रोफेसर हसास होता है, इल्म से ताल्लुक रखने वाला बंदा हसास होता है। उसको इंसल्ट फील हुई कि इसने 10 आदमियों के सामने मुझे जलील किया, मैंने तो एक लफ्ज़ की माना पूछी थी। उलमा का काम है, अगर नहीं पता है तो कह दें भाई मुझे नहीं पता, कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, या बेटी से पूछ के बता दूंगा। जो जिनकी तारीख पढ़ने का, खुदा आपको सलामत रखे भाई, अगर नहीं जानता तो जवाब दे दे। लेकिन वो कह रहा है कि गुस्सा हो रहा है, प्रोफेसर को बुरा लगा कि इसने मेरी बेइज्जती की है। दिल में सोच लिया कि आज के बाद इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं जुमला कहूं, अगर पहले ही सोच लेते ना कि ये जिनका पैरोकार है उनके पीछे नमाज जायज नहीं है। तो खैर कहा मैं अब इसके पीछे तो नमाज पढ़ूंगा नहीं, बदतमीज मौलवी है। लिहाजा उसने कहा कि मेरे लिए क्या मसला है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ किसी भी लाइब्रेरी में जाकर लुगत में, मैं बात लुगत की कर रहा हूँ, लुगत में देख लूँगा, पता चल जाएगा। ये आया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, कराची यूनिवर्सिटी की बड़ी लाइब्रेरी है, किताबें निकाली लुगत की, तो उसने फा निकाला, फा फिदक से फा निकाला, फेरिस्त में होते 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 फिदक मिल गया। लुगत लिखने वाला मुनसिफ मिजाज था, उसने उसके आगे जुमला लिखा कि ये वो बाग था जो नबी की बेटी से हाकिम ने छीन लिया था। ये आली थोड़ा सा जाग जाए। लुगत लिखने वाले ने सिर्फ इतना सा जुमला लिखा, तफसील नहीं लिखी कि नबी की बेटी कौन, हाकिम कौन, तफसील नहीं लिखी। उसने सिर्फ इतना लिखा कि नबी की बेटी से हाकिम ने बाग था वो छीन लिया था। अब ये परेशान हुआ कि भाई नबी की बेटी से हाकिम ने बाग छीन लिया था, कौन हाकिम था, नबी की कौन सी बेटी थी। गौर कीजिएगा, प्रोफेसर था, तहकीक करने लगा। तहकीक करते 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 6 महीने लगे। फिर उसने फिदक पर किताबें मंगाई, और कहाँ से किताबें लेने के बाद 6 महीने के बाद अपनी ज़ौजा से कहा कि हम नतीजे पर पहुँच गए, किसने बाप छीना था, किससे बाप छीना था, अब हमें इसके बगैर चारा नहीं है कि हम अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लें। या अली खुदा आपका सलामत रखे। इसके बगैर चारा नहीं है कि हम अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लें। बच्ची ने नाम की माना न बता के दावत फिक्र दी, या अली कि तुम लुगत जाके देख लो, तुम्हें लुगत में पता चल जाएगा कि फिदक की माना क्या है। और वो दोनों मुनसिफ मिजाज थे, पढ़े लिखे थे, सही माना लुगत की देखी तो दरवाज़ा अहले बैत पर आ गए, नतीजे पे पहुंच गए कि किसने छीना था और उसकी वजह क्या थी और किससे छीना था।